लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की स्थिति शनिवार को भी साफ नहीं हो पाई। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन में देरी के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि मोदी शाह की जोड़ी को रोकने के लिए हमने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और गोवा में गठबंधन का प्रस्ताव रखा। दिल्ली में कांग्रेस 3 सीटें मांग रही थी, जबकि यहाँ उनका कोई विधायक नहीं है। पंजाब में हमारे 4 सांसद और 20 विधायक हैं और फिर भी हमें एक भी सीट नहीं दी जा रही। कांग्रेस पूरी तरह से सीटों की आंकड़ेबाजी में फंसी है और हम मोदी शाह से देश को बचाने में लगे हैं। संजय सिंह ने कहा कि गठबंधन में हमारा मकसद सिर्फ सीटों का बंटवारा नहीं बल्कि 18 सीटों पर मोदी शाह की जोड़ी को नीचे लाना है। मोदी सरकार से देश के संघीय ढांचे को खतरा है। आखिर कांग्रेस उनकी जीत की संभावना को जीवित क्यों रखना चाहती है? अगर दोबारा देश को बांटने वाली सरकार बनी तो कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार होगी। इससे पहले गठबंधन की आखिरी उम्मीद में आपने अपने प्रत्याशियों का नामांकन टाल दिया। शनिवार को पूर्वी दिल्ली से आतिशी, चांदनी चाक से पंकज गुप्ता और उत्तर पूर्व से गुहान सिंह नामांकन दाखिल करने वाले थे। दिल्ली की 7 सीटों पर 12 मई को वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश के रामपुर से सपा प्रत्याशी आजम खान शुक्रवार को चुनावी सभा में भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि प्रशासन मेरे साथ किसी आतंकी और देशद्रोही की तरह बर्ताव कर रहा है। सरकार हमारे कार्यकर्ताओं और करीबियों को परेशान कर रही है। आजम ने कहा कि चुनाव आयोग के जरिए मुझ पर 3 तक का प्रतिबंध लगाया। इस दौरान मैं न कोई रैली कर सकता था और न ही किसी से मुलाकात कर सकता था। आजम ने आरोप लगाया कि रामपुर को छाबनी में तब्दील किया जा चुका है। ये कैसा लोकतंत्र है? प्रशासन ऐसे कार्रवाई कर रहा जैसे यह आतंकवादियों का इलाका हो। मेरे समर्थकों के घरों पर ताले लगा दिए और घर की औरतों के साथ बदसलूकी की गई। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की न्याय योजना की घोषणा के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका PIL दायर की गई है। इसके बाद कोर्ट ने कांग्रेस को नोटिस जारी कर 10 दिन में जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 13 मई को होगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने घोषणा पत्र में इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को 72,000 रुपये सालाना देने का ऐलान किया है।